हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी टुडे। इस वीडियो में मैं आपका उत्तराखंड का पूरा करंट अफेयर मार्च 2018 का कवर कराऊंगा। ये आपके लिए उत्तराखंड के सारे एग्जाम यूके एसएसएससी और यूके पीएससी के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अन अकेडमी में। आप अगर सर्च करेंगे ARU और JOSHI, तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो मेरे द्वारा वहां उत्तराखंड के काफी कोर्सेज बना चुके हैं, उसके लेसन डल चुके हैं। तो आप अनअकैडमी में जाके मुझे जरूर सर्च करें और वहां से आपको एक बेनिफिट होगा कि यहां की वीडियोस और वहां की वीडियोस काफी डिफरेंट होती हैं। तो वहां पर जाके जरूर उन उत्तराखंड की वीडियोस को देखिए और आपके लिए जितने भी एग्जाम होंगे यूके एसएसएससी और यूके पीएससी, ओके, तो आई होप आपका बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली। ओके, तो वहां जाके मुझे जरूर सर्च कीजिएगा, वहां फॉलो करिए ताकि जैसा ही मेरा कोई नया अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में इस जो एजे ठीक है अरु जोशी है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें। और चलिए अब बात करते हैं आगे उत्तराखंड का मार्च का करंट अफेयर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर उत्तराखंड में आपका इंटरनेशनल योग महोत्सव मनाया गया है। ये आपका 2018 में मनाया गया था और ये ऋषिकेश में हुआ है। ऋषिकेश आपका देहरादून में पड़ता है और इसके बाद जो इसका उद्घाटन किया है वो वेंकैया नायडू ने किया है, जो आपका अभी उपराष्ट्रपति है। और 1 मार्च 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका आयोजन 1 वीक तक चला है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल जो योग महोत्सव है वो कितने टाइम के लिए मनाया गया, तो 1 वीक के लिए मनाया गया पहली बात ये, और 1 मार्च से आपका 7 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है और इसमें काफी लोगों ने भाग लिया है ऋषिकेश में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 700 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया, तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि 700 लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया। इसके बाद करते हैं कि उत्तराखंड में एक आपका अक्षय पात्र योजना है, इसकी शुरुआत की गई। ये अक्षय पात्र योजना क्या है थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एक मिड डे मील टाइप की योजना है। क्या होता है, दिन के टाइम पे जो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें क्या होता है, आपका भोजन कराया जाता है। तो यही एक तरीके से क्या है, अक्षय पात्र योजना है जो उत्तराखंड में लागू है। ये इसलिए आई है मिड डे मील के साथ क्योंकि जो भोजन की गुणवत्ता है उसको खराब देखते हुए अक्षय पात्र योजना को एक तरीके से लॉन्च किया है। ये बिल्कुल मिड डे मील जैसी है, ओके, और इसे मिड डे मील भी कह सकते हैं। बट ये क्या है, जो अक्षय पात्र योजना है इसने एक काम ये करना है कि जितने भी सरकारी आपके विद्यालय होंगे उसमें भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, ओके। और अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा ये अक्षय पात्र योजना चलाई जाएगी। और जो अक्षय आपका पात्र फाउंडेशन की स्थापना की गई थी तो 2000 में की गई थी, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तराखंड में आपका प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया गया है अभी रिसेंटली, ओके, और ये आपका 2017 और 2018 का आंकलन है कि जो आपके उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो सबसे ज्यादा आय वाला जो आपका जिला है वो आपका हरिद्वार है। यहाँ प्रति व्यक्ति आपका 2.5 लाख रुपए है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 2.5 लाख बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पूरी स्टेट का निकलता है, ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या है 2.5 लाख रुपए है, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर का, अगर देखा जाए तो देहरादून का है 1.95 आपका लाख, ठीक है, प्रति व्यक्ति आई है, ओके, देहरादून की। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में एक आपका सेवा क्षेत्र का योगदान, ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है 2017-18 में, मतलब सर्विस सेक्टर का, ओके, सर्विस सेक्टर का योगदान उत्तराखंड में कितना रहा है, मतलब कितना उसने एक तरीके से कह सकते हैं आपका परसेंटेज में पैसे वो किए, ओके, कितना पैसा है, तो 14% लाभ रहा है आपका उत्तराखंड में, ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए उत्तराखंड में जो आपका उत्तरकाशी में शुरू हुई क्रिकेट प्रीमियर लीग है, तो ये कहाँ हुई सबसे पहले, तो ये आपके उत्तरकाशी के पुरुला में एक आपका कमलतर मिनी स्टेडियम है, ओके। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कमलतर मिनी स्टेडियम है वो कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा वो आपके उत्तरकाशी के पुरुला में है। पुरुला एक विलेज पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर युवराज पहुंचे थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो चुकी है। उत्तरकाशी में युवराज पहुंचे और युवराज ने क्या किया, वहां के जितने भी खिलाड़ी थे उनका उत्साह बढ़ाया, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है, उत्तराखंड में मार्च 2018 में रस्किन बॉन्ड जो आपके देहरादून से संबंधित रखते हैं, बहुत बार अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रस्किन बॉन्ड जो है वो कहाँ से संबंधित रखते हैं, वो देहरादून से संबंधित रखते हैं। और इन्होंने अपना एक जो बुक है, एक नोवेल है, उसको प्रस्तुत किया भी रिसेंटली। और तो उस बुक का नाम क्या है, तो सबसे पहले देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ बुक लवर
इनकी नॉवल का नाम है, और एक तरीके से ध्यान दीजिए न्यायमूर्ति जो आपके राजीव शर्मा है उन्होंने इनको पांचवा धाम कहा है। ओके तो ध्यान दीजिए उन्हें पांचवा धाम कहा है। ओके रस्किन बॉन्ड को कहा है। तो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका यूके पीएससी के लिए, आपसे पूछ सकता है कि रस्किन बॉन्ड को किसने पांचवा धाम कहा, तो राजीव शर्मा ने, या ये पूछ सकता है राजीव जो न्यायमूर्ति राजीव शर्मा है उन्होंने रस्किन बॉन्ड को किस उससे संबोधित किया है, या फिर उनका जो उनको किस नाम से संबंधित किया है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि उनको क्या नाम दिया है, तो पांचवा धाम उनको नाम दिया है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में एक चिन्याली सौड़ पड़ता है, ये चिन्याली सौड़ आपका उत्तरकाशी में है, वो चिन्याली सौड़ में एक हवाई पट्टी है जिसका नाम परिवर्तित किया गया है माँ गंगा हवाई पट्टी, और इस पे स्टार पॉइंट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में एक आपकी एकीकृत मिड डे मील किचन योजना आपकी चली है, ये किसलिए चली है, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्कूल में जो सरकारी स्कूल में उसमें भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ओके एकीकृत मिड डे मील, ओके और अच्छे वाली तो बताई दी है मैंने, है ना, जो क्या करेगी गुणवत्ता की जांच करेगी, और या फिर गुणवत्ता को क्या करेगी एक तरीके से आपके सरकारी स्कूल में इंप्लीमेंट करेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में आपका स्वच्छ आइकॉन में आपकी कुछ जगहों को शामिल किया गया है, तो वो जगह कौन सी है जिनमें स्वच्छ आइकॉन, स्वच्छ आइकॉन का मतलब यह है कि वहां पर एक तरीके से बहुत सफाई रखी जाएगी और वहां सफाई हो चुकी है, मतलब स्वच्छ आइकॉन का मतलब ही है कि वहां पर एक तरीके से बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए, तो इस स्वच्छ आइकॉन का एक तरीके से स्कीम चलाई गई थी, काफी लोगों ने इसमें मदद करी, तो उसीलिए इसी चक्कर से क्या आपका जो स्वच्छ आइकॉन है वो उत्तराखंड के तीन जगह शामिल हो चुकी है, एक बैजनाथ शामिल हो चुकी है और गंगोत्री और यमुनोत्री। ओके और गंगोत्री यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है तो ध्यान दीजिएगा, और बैजनाथ आपका बागेश्वर में है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, एक आपके मथुरा प्रसाद, ठीक है, बरमाड़ा का निधन हो चुका है, और ये उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं पहली बात ये, दूसरी चीज क्या है इन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए काफी योगदान दिया है, इसलिए बहुत फेमस है ये, और ये आपसे पूछ सकता है कि मथुरा प्रसाद बरमाड़ा पर जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में कि ये क्या है, ये आपके पर्वत, ठीक है, पर्वतारोहण है या बैडमिंटन से है या ये आपके आंदोलनकारी हैं, तो ये आपके आंदोलनकारी है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड में एक आपका ओपन इंटरनेशनल रूरल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का, ठीक है, एक तरीके से आयोजन हुआ है, और उत्तराखंड में से आपके पदक हासिल किया है आपके अस्तित्व डोभाल ने, ये आपके उत्तरकाशी के बड़कोट गांव से संबंधित रखते हैं, और ये आपके थाईलैंड के पटवा, ध्यान दीजिए थाईलैंड के पटवा में इसका आयोजन हुआ था आपके ओपन इंटरनेशनल रूरल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का। ओके और स्केटिंग में इन्होंने क्या किया है, 2 स्वर्ण जीते हैं और ये 10 वर्ष के बालक हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय आप सभी को पता है। ओके तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय और वहां विश्व का एक आपका ताइची केंद्र खुला है। ओके ये ताइची केंद्र आप सभी को पता है जो देव संस्कृति है वो आपका हरिद्वार में पड़ता है। ओके तो इसके अंदर क्या किया गया है, एक ताइची केंद्र खोला गया है, तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि ताइची केंद्र विश्व का कहाँ खोला गया है, तो ये आपका हरिद्वार में खोला गया है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर खोला गया है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में देहरादून में एक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसको होम ग्राउंड बनाया, ये होम ग्राउंड किसने बनाया, ये आपके अफगानिस्तान ने होम ग्राउंड बनाया, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टेडियम नहीं है इसीलिए होम ग्राउंड बनाया है, जिसमें अफगानिस्तान क्या करेगा अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, आपका एक तरीके से प्रेरित करेगा और प्रशिक्षित करेगा वहां, तो ये होम ग्राउंड आपका देहरादून में है, राजीव गांधी आपका अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है वो आपका कहाँ है, ठीक है, देहरादून में। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसको परमिशन दे दी है होम ग्राउंड बनाने के लिए। ओके इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये आ सकता है। आप सभी को पता है कि भरणी जो सैन है वहां, एक तरीके गैरसैंड सुन लीजिए, गैरसैंड भरणी सैन आसपास ही है, इसमें एक तरीके से क्या है कि पहली बार बजट पेश हुआ है। ओके तो ध्यान दीजिए पहली बार वहां क्या है, बजट पेश हुआ है, और इसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिए कि कुल बजट, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कुल बजट आपका, ठीक है, 45,585 करोड़ का है, और पिछले वर्ष आपका क्या है 14.08% अधिक है, ठीक है, ये पहली बार इसलिए रखा गया है, ध्यान दीजिए इससे पहले जो आपकी कांग्रेस सरकार थी उन्होंने 2 से 3 फरवरी में यहाँ क्या 2015 में यहाँ एक बजट पेश किया था, पहले वो सुन लीजिए, तो ये जब बजट पेश किया था ये एक तरीके से पूरा बजट ये हो नहीं पाया था, क्यों, क्योंकि
मानते तो हैं कि पहला इन्होंने आपका कांग्रेस सरकार ने बजट ये वाला इस समय पेश किया था 2-3 फरवरी, बट दोनों जो विपक्षी थे उनके बीच में एक तरीके से कह सकते हैं मतभेद हो गया था, जिसे 3 फरवरी को ये क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया था, और बजट उसी के बीच में ना तो किसी ने पूरा सुना, इसीलिए इसको पहली बार बजट कहा है। ठीक है, तो जो गैरसैंण है, गैरसैंण में इस डेट में पहला बजट हुआ था, वैसे तो ये अगर देखा जाए तो दूसरा बजट है, बट ये पहली बार इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बजट बहुत अच्छी तरीके से पेश हुआ है, इसलिए इसको पहली बार बजट कहा गया है। तो इसलिए आप समझिएगा, अगर सपोज करो ऐसी बार ये अगर ऑप्शन में आता है, आपसे अगर पूछ लेता है कि पहली बार बजट कब हुआ है, तो पहली बार बजट आपका ये हुआ है। ओके, चलिए, पिछले वर्ष में आपका जो, ठीक है, 14.08% अधिक रहा है पहले से बजट। ओके, तो अभी बजट क्या था आपका, इतना है, और इसका मतलब यह है कि पहले बजट इससे कम था, तो इसीलिए क्या है, पिछले वर्ष से जो बजट है वो आपका 14.08% अधिक है इस बार का बजट। ओके, बाकी आप, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं, चंपावत में एक चैत, ठीक है, चैत मेला का आयोजन हुआ है, ये चंपावत में हुआ है, चंपावत एक जिला पड़ता है, और इसका जो आयोजन हुआ है वो आपका 25 मार्च 2018 को हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड में एक आधार सेवा को जोड़ा गया है, और ये आधार सेवा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वहां जाके क्या कर सकते हो, आधार कार्ड अपना बनवा सकते हो, और आधार से आपकी जो जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनको क्या कर सकते हो, उनका लाभ उठा सकते हो। ओके, तो पूरे उत्तराखंड में आपके 214 डाकघरों को इसमें शामिल किया गया है कि आप वहां जाके अपना आधार बना सकते हैं और उनसे जुड़ी सुविधाएं क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इंटरनेशनल महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के हिस्से में मेडल आया, और प्रियंका चौधरी ने मेडल लाया, ये काशीपुर की हैं आपकी, और कांस्य पदक इनको मिला है। दूसरी चीज है कि बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ आयोजन हुआ है, तो कजाकिस्तान में हुआ है। उत्तराखंड के बजट में जो जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो बजट रखा गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वो 1500 करोड़ का बजट रखा गया है, और जैविक खेती के लिए जो पहले नंबर पे अगर 29 राज्यों की मैं बात करूं तो आपका सिक्किम आता है पहले नंबर पे, ठीक है, जैविक खेती के लिए। उसी तरीके से क्या है, उत्तराखंड को भी एक तरीके से जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओके, केंद्र द्वारा भी किया जा रहा है, और जो प्रदेश है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो भी क्या कर रही है, उत्तराखंड को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए बजट में इसका 1500 करोड़ का, ठीक है, एक तरीके से मनी रखी गई है, ताकि हम जैविक खेती को क्या कर सकें, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके उत्तराखंड गवर्नमेंट में। इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। ये टोटल ग्राम पंचायतें कितनी है आपकी, 194 ग्राम पंचायत है जिनको समाप्त कर दिया गया है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड में आपका पहला पहला एक्वा प्रेशर पार्क। ओके, तो पहला जो एक्वा प्रेशर पार्क है वो बनाया गया कहाँ, वो आपका ऋषिकेश में बनाया गया, ऋषिकेश आपका देहरादून में पड़ता है, अगर मैं एग्जैक्ट जगह बताऊं तो भद्रकाली ऋषिकेश देहरादून। ओके, इसके बाद क्या है, सचिवालय जो स्थित है, सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का जो वहाँ का सचिवालय के अंदर जो मीडिया सेंटर उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो बद्री दत्त पांडे सेंटर उसका नाम रखा गया है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में आपका डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान की नींव डाली है, और ये नींव डाली कहाँ है आपके, देहरादून में डाली है उत्तराखंड के लिए। ओके, तो मार्च का करंट अफेयर इतना ही था। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस मेरी पसंद आती रहती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से एक तरीके से हम मोटिवेट होते हैं। और आपको अप्रैल का अगर करंट अफेयर चाहिए तो 30 और 31 को आपका अप्रैल का करंट अफेयर अपलोड हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये जरूर बताएं कि आपको अप्रैल का करंट अफेयर, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे हैं जिससे मुझे वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, वीडियोस कम से कम आपका, ठीक है, 1000 व्यूज इस टाइप के हो जाते हैं, बट इतने लोग देखते हैं पर कमेंट कोई नहीं कर रहा है, तो एक बार थोड़ा कन्फ्यूज हम भी हो जाते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। थोड़ा अगर कहीं पे इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें बताएं कि कहां पर इंप्रूवमेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।